मेरी गल सुन कद तू मुक्त पा लिया काला टिक्का ला लिया पूरी रावण लगे तो गाइस देखिए यहाँ पे ब्लड पड़ा हुआ है, ये तो कोई ताजा ताजा खून दिख रहा है, वो बंदा भी इधर ही होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कोई मुझे देख के घायल हो गया हो। ये सब जगहों पे नहीं रखते हैं, कहीं कहीं रखते हैं, हमारे यहाँ पे तो ये रखते हैं, बाकी मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे रख देंगे अभी हम लोग हमारे खेत में यहाँ पे। Hey guys, welcome back to the vlog. Happy Mahashivratri to all of you. तो सबको हम जा रहे हैं मंदिर, तो आप लोगों ने भी चला तो चलो हमारे साथ। ठीक है, तो अभी हम लोग मंदिर जा रहे हैं। आज ऐसे ही नॉर्मल सा व्लॉग होने वाला है, क्योंकि मैंने ऐसे में कोई व्लॉग बनाती नहीं हूँ, बहुत कम बनाती हूँ आजकल। तो आज सिंपल सा व्लॉग होने वाला है कि आज हम पूरा दिन क्या करने वाले हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर, मैंने अभी घर पे पूजा कर लिया, अभी हम लोग मंदिर जा रहे हैं, दिशु मैं मम्मा और दी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा यहाँ से शूट कर लूँगी, और जो दिन में जो भी होगा होगा तो कुछ नहीं, बट ऐसे ही नॉर्मल सा कि दिन में हम लोग क्या करते हैं, तो फिर मैं वो व्लॉग बना लूँगी। ठीक है, हर हर महादेव। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो ये यहाँ पर इनकी तैयारी हो रही है मंदिर जाने की, क्योंकि 108 जो है वो चावल चढ़ाते हैं और टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब बिल्कुल पूरा होना चाहिए, इसलिए वो मम्मा कर रहे थे अभी छान छान के। तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं, चलो। A few moments later. So guys, हम लोग आ गए मंदिर। अभी यहाँ पे बहुत भीड़ है, अभी थोड़ी सी कम हुई, हम एक घंटे से बैठे हैं दिशु, लेकिन सब चले जाएंगे फिर करेंगे। ये देखिए लेट आए, सोचिए है कि आए लेट आना है, कोई नहीं होगा, सारे सारे सोचिए लेट आना। हर हर महादेव। गाइज हम लोग अभी आ चुके हैं मंदिर से, अच्छे से हमने पूजा कर लिया, बहुत काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे, बट हम लोग पूजा करके आ चुके हैं। तो अभी मम्मा ये अभी भैया के लिए जो है वो जो चावल जो है 108 वो निकाल के रखेंगे उसके लिए, क्योंकि टूटा हुआ चावल नहीं चढ़ाते हैं। तो इसलिए अभी मैं लगी हूँ चाय बनाने, क्योंकि फास्ट है सबका। तो फिर मिलते हैं आपको बाद में। सो गाइज हम लोग मंदिर से होकर आ गए हैं अभी, और ये अभी तक नहाया भी नहीं है, अभी हमने इसको उठाया आकर, और सुबह 4 बजे, हाँ ये 4 बजे तक फोन चला रहा था सुबह, तो अभी बस हो गया, बस इतना ही सुनना, हमने 4 बजे तक फोन चला रहा था ये। और अभी मम्मा ने इसके लिए चावल रखे हैं, पर पता नहीं अभी मंदिर जाएगा या नहीं। मैं उधर कैलाश पर्वत जाऊंगा ये चढ़ाने। शक्ल दी क्या हुई, हमने भी जाना है। अच्छा तो गाइस अभी मैं बना रही हूँ चाय, इनको पिलाएंगे चाय, इसके बाद में मिलेंगे फिर। One hour later. So guys, अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी, और मैं कहीं पे भी नहीं जा रही, मैं रील्स के लिए रेडी हूँ। लेकिन एक सेकंड, और मैं कहीं पे भी नहीं जा रही, मैं रील्स के लिए रेडी हूँ। ये क्या है? और कुछ लोग, और गाइस मेरी और कुछ लोग गाइस बहुत कमेंट करते हैं, ऐसा कर रही है, ये करिए, वो करिए, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट जो लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरी डांस वाली वीडियोस देखते हैं, तो उनको थैंक यू दिल से, बहुत बहुत प्यार। और जो नहीं, अच्छे अच्छे कमेंट्स नहीं भी करते हैं, उनको भी प्यार, क्योंकि मेरे अच्छे कमेंट्स को नजर नहीं लगती उनके गंदे कमेंट्स से। करते हैं ना दिशु, लो गाइस दिशु मेरी वीडियो बनाएगी आज, वो इसलिए तैयार नहीं हुई है क्योंकि उसने आज ऑयल लगाया था, तो मैंने सोचा मैं बना लेती हूँ। सो गाइस आपके मैंने कितने टाइम कैसी लग रही हूँ? गोरे रंग नहीं था दुनिया पट्टी हुई है, ठगी पई है, ठगी पई है, इन्ना गोरिया ना तेरा की मुकाबला, सानू चंगा लगे रंग तेरा सावला। थैंक यू गाइस। वैसे आजकल पता नहीं चलता है कि कौन सावला कौन है, क्योंकि आजकल फिल्टर लगाती हैं लड़कियां, क्या हमारी तरह? बात तो सही है। बोली कि वीडियो में डालना, मैं रील डालूंगी तो गाना रिवील हो जाएगा, ये गाना वैसे भी रिवील हो गया इंस्टा पे बहुत चला, मुझे ये गाना बहुत पसंद आया। तो अभी हम जिम्बे का वेट कर रहे हैं, वो मम्मा के साथ अंदर बातें कर रहा है, फिर हम लोग जाएंगे उसका, क्योंकि उसने भी आज वीडियो बनानी है। अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इंस्टा पे मेरी आईडी जो है मैंने मेरी मेंशन है, तो आप इंस्टा पे जाके मेरे डांस की वीडियोस देख सकते हो अगर आपको पसंद है। ओके सब तो पहले तुंदे पर तू चल तू बोल गाइस ये क्यों होता तू बोल ये क्यों होता ए सी डी
मतलब कुछ भी। सो गाइस जिम भी अभी जा रहा वीडियो बनाने हमारे साथ, चलो। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं आश्रम, पहले हम लोग जाके माथा टेकेंगे उसके बाद हम लोग वीडियो बनाएंगे। और यार मैंने मतलब अभी जस्ट ये मतलब मैंने ये न्यू सूट सिलवाया, अभी तक मैंने कहीं पे पहना नहीं है, बट मैं इस सूट को पहले ही रिवील कर रही हूँ रील्स में। चलो कोई ना यार, सूट पहन के ना बहुत अच्छा लगता है। इट्स ओके, दिशु मुझे बोल रही है कि तेरे को पहले ये सूट रिवील नहीं करना चाहिए था, तुझे नेक्स्ट टाइम पहनना चाहिए था, बट इतना कौन वेट करे, क्या पता मैं तब तक मर जाऊं। फिर होगा ना तब डालेगी, कैसी लगेगी? कोई बात नहीं, ऐसी लगूंगी, कड़ी का कोई भरोसा नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वाह यार, वाह क्या ब्लैक सूट लगाया कदे तू, मेरी गल सुन, कदे तू मुकट पा लें, काला टिक्का ला लें, पूरी रावण लगे। यहाँ पे केस हुआ है, उस जगह पर पहुंच चुका हूँ, वो जगह आपको दिखाते हैं। ये बैक कैमरा कैसे होगा, मुझे एप्पल कम चलाना आता है भाई। तो गाइस देखिए यहाँ पे ब्लड पड़ा हुआ है, ये तो कोई ताजा ताजा खून दिख रहा है, वो बंदा भी इधर ही होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कोई मुझे देख के घायल हो गया हो। नहीं ऐसा भी हो सकता है, बस वो देख के सुसाइड करने की कोशिश कर रहा, मैंने क्या देख लिया। ऐसा प्राणी मैंने पहली बार देखा। बोलते हैं कि मंदिर में ब्लैक डाल के नहीं जाते, पर मैं और जिम में ब्लैक ही डाल के आए हैं। माता रानी जी माफ करना, हमारे गांव की खूबसूरती जो मैं आपको हर बार दिखाती रहती हूँ, ये देखो कितने सुंदर लग रहा है। पहले मैंने सोचा था खेत में वीडियो बनाऊं, फिर सोचा खेत में बनाते मैं कहीं गिर जाऊंगी, तो इसलिए मैं स्पेशली यहाँ पे वीडियो बनाने आई, क्योंकि मैं छत पे बना बना के थक चुकी हूँ, इतना अच्छा व्यू नहीं आता, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे बनाऊंगी। कोई भी लोकेशन देख लेती हूँ। गाइज अब हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ गाइज वहाँ, ठीक है दिख गई ना, चलो। जय श्री राधे कृष्ण, जय गुरुदेव। ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, दो लड्डू गोपाल हमारे यहाँ पे, एक घर पे भी रखे हुए हैं मैंने। चलो सब तो ज्यादा मतलब जल्द ही फंसी हो, कुदै भी फंसी हो, गीता बिच एक श्लोक है ना जबरदस्त ना, उसी 108 बार चैंट करना, मतलब तुसें उस कष्ट कोला कुछ भी चीज है जी जे कुदै स्टक होई जाओ बाहर निकली जाना, पता केड़ा। ओम कृष्णाय गोविंदाय हरे परमात्मा ने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। वैसे भी जब मन आपका शांत नहीं होता ना, भजन सुन लो या भगवान के पास आ जाओ तो बहुत अच्छा लगता है, सच में शांति मिलती है। प्लीज आप जरूर आना, बहुत शांति। हाँ जो भगवान पर विश्वास करते हैं, आजकल तो सब लोग ही करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, बट जो करते हैं उनको पता है कि कितनी शांति मिलती है मंदिर में आके। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं होता ना, तो बहुत शांति है, इतनी अच्छी अच्छी हवा आती है, इतना मजा आता है यहाँ पे बैठने का। चलो अभी हम लोग वीडियो की तैयारी करते हैं, इसने अंदर ही वीडियो बनानी है भगवान जी के साथ, तो मैं बनाने लगी उसकी वीडियो। सो गाइज जिम्बे की वीडियो बन चुकी है और हमने माथा भी अच्छे से टेक लिया, अभी हम बनाने वाले हैं मेरी वीडियो, तो वीडियो बनाने के बाद मिलेंगे आपको, ठीक है। अभी हम लोकेशन ढूंढ रहे हैं कि कौन सी बनाए, फिर मिलते हैं आपको। A few moments later. So guys, मेरी वीडियो जो है वो बन चुकी है, थैंक यू सो मच दिशु ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। अब है जिम्बे की बारी, आपने कौन से गाने पे बनानी है? जिनको समझना है वो थोड़ी सी वो ट्यूनिंग से समझ गए होंगे कौन सा गाना है, क्योंकि ऐसे मुझे भी समझ नहीं आया। ये गाना है, ये वाला। बहुत अच्छी वीडियो बनाई है उसने। जिसको बोले कि वीडियो में मुझे मेंशन कर दे कैमरा मैन,
कैमरा वुमन सबको पता है तू ही बनाएगी, हम लोग साथ में रहते हैं, सबको पता इसी ने बनाई होगी क्योंकि ऐसे मैं और दिशु डांस वाली वीडियोस बनाते हैं। तो अभी मेरी अकेले ही बनाई मैंने क्योंकि इसने बोला मैंने नहीं बनानी, जो जो ये गाने रिजेक्ट करती है वो मैं अकेले बना लेती हूँ। चलो अभी जिम्बे की बनाते हैं फिर जल्दी जल्दी घर भी जाना है, फास्ट रखा है, भूख लगी है, मैं खाना कुछ नहीं है, चलो मिलते बाद में। 2000 years later दीदी तो से लगी था ये तो देखो जागती चुकती लगी बड़ा खून वगैरह डॉक्टर को लेइयो या मैं लेइया तो ये नहीं पता चलिया पता खून वगैरह मैं टेंशन नहीं मैं के बात तुंदा नहीं मुड़ा है नींद आ भी तो ही चल ठीक है दीदी बाय ठीक है बाय ध्यान रखो अपना ठीक है तू मेरी गल्ला नहीं कर चली गई लेटर दैट सेम इवनिंग गाइस आज शिवरात्रि है तो हमारे घर शिव आया है मेरा गोलू आया है ओए गोलू बुखार हो गया इसको गोलू को बुखार हो गया है अभी मैं और मम्मा जाएंगे कहाँ जाएंगे अभी हम वो क्या करने जाएंगे वो शिव जी देते हैं ना कुम्हार आगे तो उन्होंने शिव जी दिया तो अब उनको खेतों में छोड़ने जाना है हाँ। हमारे खेतों की रखवाली करेंगे हाँ चलो अभी हम लोग जाएंगे खेतों में छोड़ने जाते हैं शिवरात्रि के दिन सारे मेहमान आए हुए हैं देख सकते हैं आप लोग हाय। सो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं वो जो वो बनाए होते हैं मिट्टी के तो जो मिट्टी के शिवलिंग बनाए होते हैं उनको हम लोग खेत में रखने जा रहे हैं ताकि वो हमारे खेतों की रखवाली करे तभी रखते हैं ताकि रख देना तो अभी हम लोगों ने जो है मीठे चावल बनाए हुए हैं तो इसलिए यही लेके जाते हैं पहले भोग लगाते हैं उसके बाद हम लोग खाएंगे क्योंकि आज पूरा व्रत है हमारा। चलो ये सब जगहों पे नहीं रखते हैं कहीं कहीं रखते हैं हमारे यहाँ पे तो ये रखते हैं बाकी मुझे नहीं पता आप देख सकते हैं। चलो हम लोग चलते हैं आपको खेत में चल के मिलते हैं ये देखो चाचू के निक्के जागते ले काम करे कितने सुंदर लग रहे यार हरे भरे खेत गली वो देखो मैंने सोचा कि पता नहीं क्या है जो चीख रहा है जिधर जिधर फोन जा रहा है शिवाय की नजरें उधर उधर और देखो देखिए चाचू पता नहीं क्या बजाते बजाते जा रहे तो यहाँ पे रख देंगे अभी हम लोग हमारे खेत में यहाँ पे। चलो चलते हैं अभी घर की तरफ वो देखो ये देखो हम लोग उधर फोटो खिंचा रहे थे मतलब मैं नहीं भैया की खींच रही थी और शिवाय हमारी तरफ आ रहा था गोलू गोली। One hour later. So guys, हम लोग आ चुके हैं खेत से तो हम वहाँ पे शिवलिंग जो है रख के आए थे जो मिट्टी के शिव जी भगवान जी बनाए होते हैं और अभी मैं गोलू को थोड़ा सा खिला रही हूँ। ये जो हमारा शिवाय है ना ये पूजा रूम से निकलता ही नहीं है, है ना गोलू? ये इसको बस यहाँ पे बिठा दो यहाँ पे बैठ के देखता रहता है और बहुत खुश होता है और यहाँ से निकलता ही नहीं है, कब से बैठा वो निकलने का नाम नहीं ले रहा। जय का जय ये जय। तो गाइज अभी भगवान जी के साथ ही हम करते हैं व्लॉग को एंड तो आई होप कि आपको ये व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से आपको महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं तो चलो शिवाय बाय 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 बाय। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा सो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंड स्टे सेफ। हर हर महादेव।